नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आसाम राइफल्स की टाइपिंग के बारे में जानकारी दूंगा कि किस वेबसाइट से आप टाइपिंग करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सेम जिस प्रकार से आसाम राइफल्स की टाइपिंग होती है, जिस प्रकार से टाइपिंग टेस्ट होता है वहाँ उस वेबसाइट पर, सेम उसी प्रकार से लाइन बाई लाइन आप टाइपिंग कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही मदद करेगा। दोस्तों, इस टाइपिंग को और टाइपिंग की तरह मत समझना दोस्तों, और जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी जो टाइपिंग होती है उसमें और इसमें अंतर है दोस्तों। कई लड़के दोस्तों 40 की स्पीड, 50 की स्पीड, ज़्यादा स्पीड निकाल लेते हैं, वे उसके बाद भी इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं दोस्तों। वो एक मेन कारण ये है दोस्तों इसका, कि ये टाइपिंग जो है लाइन बाय लाइन होती है, और वो प्रैक्टिस करते हैं पैराग्राफ वाइज। एक पैराग्राफ स्क्रीन पर शो होता है, और आधी स्क्रीन पर पैराग्राफ शो होता है, और आधी स्क्रीन पर वे इनका मैटर शो होता है टाइप किया हुआ दोस्तों। उस हिसाब से वो लोग टाइप करते हैं, जैसे टाइपिंग मास्टर में आपने टाइपिंग करी होगी, या फिर सोनी टाइपिंग ट्यूटर में आपने टाइपिंग करी होगी, जो ऐप आते हैं उसमें जिस प्रकार से टाइपिंग करी होगी आपने दोस्तों। इसकी जो टाइपिंग है दोस्तों लाइन बाय लाइन होती है दोस्तों। एक लाइन आप टाइप करोगे तो उसके बाद इंटर दबाना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, फिर से दूसरी लाइन आएगी, फिर से आपने इंटर दबाना पड़ेगा जैसे ही लाइन खत्म होगी। तो इसमें थोड़ा सा लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उनने प्रैक्टिस इस हिसाब से नहीं की होती है, दूसरे हिसाब से की होती है। भले ही उनकी स्पीड आ जाती है, फिर भी वो इस टेस्ट को नहीं निकाल पाते हैं दोस्तों। इससे पहले कि मैं आपको इस जो वैकेंसी है, इसकी जो टाइपिंग है, इसके बारे में कुछ जानकारी दूँ, अपने जो चैनल है इसके बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ दोस्तों। मेरे चैनल में दोस्तों हिंदी टाइपिंग कोर्स के आपको वीडियो मिल जाएंगे, इंग्लिश टाइपिंग कोर्स के कंप्लीट पूरे वीडियो मिल जाएंगे, पूरा कोर्स मिल जाएगा दोस्तों। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जैसे ही जाओगे तो हिंदी टाइपिंग कोर्स के वीडियो मिल जाएंगे, इंग्लिश टाइपिंग कोर्स के वीडियो मिल जाएंगे, इंग्लिश टाइपिंग कोर्स डे 1 से डे 60 तक का वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। कंप्लीट पैकेज है आपको वीडियो का, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। कोई भी उन वीडियो को देख के घर पे आराम से टाइपिंग सीख सकता है, वो भी अपने मोबाइल से। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कंप्यूटर नहीं है तो आप आसानी से अपने मोबाइल से कीबोर्ड को कनेक्ट करके टाइपिंग को सीख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको कोई सी दिक्कत आती है तो आप मोबाइल से कनेक्ट करके टाइपिंग करने में, तो आप मुझे कमेंट कर देना। वैसे दोस्तों एक वीडियो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उसका लिंक, उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आप सीख जाएंगे कि कैसे मोबाइल से आप घर पे बैठे आराम से टाइपिंग को सीख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, ये तो मैंने आपको कोर्स के बारे में बता दिया दोस्तों, इसके अलावा भी कोर्स के लिए लेकिन दोस्तों टाइम चाहिए, क्योंकि 2 महीने का लगभग टाइम चाहिए, तब जाके आप उस कोर्स को तरीके से सीख पाएंगे दोस्तों। अगर जिसके पास कम टाइम है, जैसे 1 महीने का टाइम है, 15 दिन का टाइम है, इस प्रकार से कम टाइम है, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, रोज़ सुबह 9 बजे मैं टाइपिंग की क्लास चलाता हूँ, लाइव टाइपिंग क्लास। तो आप उस क्लास को अटेंड करके देखें, सिर्फ 2 क्लास। अगर आपको फ़ायदा होता है तो आगे अटेंड करें, अगर फ़ायदा नहीं होता तो आप अटेंड ना करें दोस्तों। या फिर किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, आप कितने दिनों से टाइपिंग सीख रहे हैं, और वर्तमान में आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है और एक्यूरेसी कितनी है। अगर आप ये बता दोगे मुझे कि आप कितनी स्पीड है, कितनी एक्यूरेसी है, तो मुझे आपके बारे में पता चल जाएगा, तो उसी हिसाब से मैं आपको गाइड कर पाऊँगा दोस्तों। अगर एक अच्छा टाइपिस्ट बनना है और टेस्ट को क्वालिफाई करना है, 30 की 40 की 50 की इस प्रकार की अच्छी एक स्पीड लानी है, तो उसको तरीके से करना पड़ता है दोस्तों। टाइपिंग को पहले सिंगल लेटर का अभ्यास करना पड़ता है, फिर वर्ड का अभ्यास करना पड़ता है, सेंटेंस का अभ्यास करना पड़ता है, पैराग्राफ का अभ्यास करना पड़ता है, इस प्रकार से दोस्तों अभ्यास को करना पड़ता है। आप डायरेक्ट आप मैटर खोलोगे और लग जाओगे खटखट खटखट टाइपिंग में, तो इस प्रकार से इस टाइपिंग को आप नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, सुबह रोज 9 बजे मैं लाइव आता हूँ, आप लाइव क्लास को ज्वाइन करना, और जो जो मैंने कहा आप कमेंट कर देना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप आसानी से इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लोगे दोस्तों। अब दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको इसकी जो टाइपिंग है इसकी जानकारी देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉफ्टवेयर पे उस वेबसाइट पे टाइप करके दिखाऊंगा दोस्तों। दोस्तों, अगर एडमिट कार्ड की बात करें इसकी, तो एडमिट कार्ड जिन्होंने भी निकाल लिया होगा, काफी लोगों ने निकाल लिया होगा, जिसने अगर शुरुआत में निकाल रखा है दोस्तों, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि दोबारा इस एडमिट कार्ड को निकाल लें, क्योंकि कई जानकारियां बाद में अपडेट हुई हैं, तो वो जानकारियां भी उनको मिल जाएंगी दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों, इसमें टाइपिंग सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ेगी, टाइपिंग सर्टिफिकेट बनवा लें, और टाइपिंग सर्टिफिकेट जब भी आप वहाँ जाएंगे टेस्ट देने के लिए, तो उसी दिन अपना टाइपिंग सर्टिफिकेट दिखाएंगे आप। और उसके बाद दोस्तों, जिस दिन आपका फिजिकल होगा, जैसे जिस दिन आपकी रेसिंग होगी, रनिंग होगी, उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट भी हो सकता है, या फिर उसके दूसरे दिन हो सकता है। कहने का मतलब है कि साथ साथ में ये चीज़ें निपटाई जाएंगी, रनिंग भी हो गया और टाइपिंग भी हो गया, साथ साथ में निपटा दी जाएंगी। उसी दिन भी हो सकता है टाइपिंग, दूसरे दिन भी हो सकता है दोस्तों। जो रनिंग में क्वालिफाई कर लेगा तो उसको टाइपिंग टेस्ट देने का मौका मिलेगा दोस्तों। और अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोस्तों, ये टाइपिंग जो है आसाम राइफल्स के सॉफ्टवेयर में होगी दोस्तों, और एक किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं दिया गया है कि किस सॉफ्टवेयर में टाइपिंग होगी दोस्तों।
कहने का मतलब ये है कि आपने हार्ड कॉपी में इसे देख के टाइपिंग नहीं करनी होगी, ये सॉफ्टवेयर में ही आपने टाइपिंग करनी होगी। आपको स्क्रीन पर ही मैटर देखेगा, स्क्रीन पर ही आप ये टाइपिंग जो करोगे वो भी शो होगी दोस्तों। ये फिर भी एक सुविधा है दोस्तों, हार्ड कॉपी से करने में टाइपिंग थोड़ा सा दिक्कत आती है। अब दोस्तों टाइपिंग स्पीड की अगर बात करें तो दोस्तों टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में आपको 35 की स्पीड निकालनी पड़ेगी दोस्तों। 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड चाहिए, और लगभग 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए तो साथ में आपके 350 वर्ड हो जाएंगे। 35 की स्पीड के साथ अगर आप 10 मिनट टाइपिंग करते हैं तो 350 वर्ड आप टाइप कर लेंगे दोस्तों। 10 मिनट की टाइमिंग है दोस्तों। और हिंदी की अगर बात करें तो दोस्तों हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी, ये 300 वर्ड हो जाएंगे आपके 10 मिनट में जो आपने टाइप करने होंगे दोस्तों। और फॉन्ट की बात करें अगर तो इंग्लिश के फॉन्ट की तो दोस्तों आपको जानकारी लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई सा भी फॉन्ट हो इंग्लिश में टाइपिंग हो जाती है दोस्तों। और फॉन्ट की बात करें दोस्तों हिंदी के, तो हिंदी में आपको मंगल फॉन्ट मिलेगा देखने को, और कुर्तिदेव 010 फॉन्ट मिलेगा दोस्तों। मंगल फॉन्ट में भी दोस्तों रेमिंगटन गेल लेआउट रहेगा आपको दोस्तों, कुर्तिदेव फॉन्ट भी रहेगा, मंगल फॉन्ट भी रहेगा दोस्तों। और एक्यूरेसी की बात करें अगर दोस्तों, इसकी जो नोटिफिकेशन है उसको मैंने जब पढ़ा था तो एक्यूरेसी का कहीं पर मुझे कुछ ऐसा शो नहीं हुआ था दोस्तों। अगर किसी को भी ऐसी जानकारी है तो एक्यूरेसी को वे कमेंट में बता सकता है कि कितने परसेंट एक्यूरेसी मांगी गई है। फिर भी दोस्तों जो इंटरनेट से जो जानकारी जुटाई गई है उस हिसाब से मैं आपसे कह सकता हूँ कि लगभग 95% के आसपास आपने एक्यूरेसी घर से लेके जानी चाहिए। इसके आसपास ये 95% के एक्यूरेसी मांगी जाएगी दोस्तों उसमें, क्योंकि पहले जो लड़कों ने टेस्ट दिए थे उनमें वे 35 की जैसे उनने स्पीड निकाल दी और एक्यूरेसी उनकी 95 से कम रही, 90 रही, 85 रही, 80 रही, तो तब भी वे क्वालिफाई हो गए थे दोस्तों। लेकिन अभी जो है एक्यूरेसी भी मांग रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसके मैटर की बात करते हैं कि मैटर जो आएगा आपके किस प्रकार से आएगा। तो आपको दोस्तों मैटर के लिए टाइपिंग के लिए आपको एक तो टाइपिंग मास्टर में आप प्रैक्टिस कर लीजिए, टाइपिंग मास्टर में आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसका जो मैटर आता है ये थोड़ा अलग टाइप से आता है दोस्तों, और जो आपने टाइपिंग के एग्जाम देखे होंगे उनसे बहुत ही हटके है दोस्तों। हटके क्या है दोस्तों, इसमें लाइन बाय लाइन टाइप करना होता है दोस्तों। और उनमें क्या होता है, पूरा एक पैराग्राफ दिया होता है, पैराग्राफ का पूरा सेट होता है, आपने आधी स्क्रीन में पैराग्राफ का सेट दिखता है और आधी स्क्रीन में आपने टाइप करना होता है दोस्तों। इसमें लेकिन ऐसा लाइन बाय लाइन सिस्टम होता है असम राइफल की टाइपिंग में दोस्तों, ये थोड़ा अलग हटके है दोस्तों। इसी वजह से कई लड़के जो 40 की स्पीड निकालते हैं, उससे ज्यादा स्पीड निकालते हैं, उसके बाद भी वे इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस टाइपिंग को समझना नहीं पड़ता है, समझ नहीं पाते हैं दोस्तों। दोस्तों पहले जैसे नंबर वन लाइन आएगी आपकी, तो नंबर वन लाइन आप देखोगे और उसी को देखकर सेम उसी प्रकार से नीचे टाइप करोगे। जब टाइप कर लोगे दोस्तों, अगर लास्ट में आपके डॉट होगा, अगर लास्ट में डॉट होगा तो डॉट दबा के इंटर दबा देना, अगर डॉट नहीं होगा तो फिर डायरेक्ट इंटर दबा देना, उसके बाद आप दूसरी लाइन में आ जाओगे, फिर दूसरी लाइन को भी देखकर टाइप करोगे सेम, फिर उसके बाद आप इंटर दबाओगे, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे। इस प्रकार से आपने इस टाइपिंग को करना होगा दोस्तों। और अगर वर्ड की बात करें तो दोस्तों एक लाइन में आपको लगभग 10 से 15 वर्ड मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि किस वेबसाइट से आपने किस प्रकार से टाइपिंग को करना है, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। दोस्तों वैसे तो आप टाइपिंग मास्टर में भी टाइपिंग करेंगे तो वो भी आपको हेल्प देगा, लेकिन दोस्तों इस वेबसाइट में आप टाइपिंग करेंगे तो इससे सेम आपको जैसे असम राइफल में जैसे जो टेस्ट होने वाला टाइपिंग का टेस्ट है, सेम उसी तरीके का आप इसमें टाइपिंग कर सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों इस वेबसाइट से बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा, और इसके अलावा मैं और वेबसाइट भी ढूंढूंगा, आप चैनल में बने रहना, अगर और वेबसाइट का भी मुझे पता चल जाता है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ कि इस वेबसाइट में कैसे आपने टाइपिंग करनी है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। दोस्तों आप लोग अभी टाइपिंग मास्टर में टाइपिंग करना मत छोड़ना, उसमें भी करते रहना टाइपिंग, क्योंकि असम राइफल की जो टाइपिंग होती है उसमें टाइपिंग मास्टर से भी आने के चांस रहते हैं। और दोस्तों ये जो वेबसाइट बता रहा हूँ इसमें लाइन बाय लाइन शो होगा, सेम जैसे टाइपिंग, जैसे आप असम राइफल की जो टाइपिंग होती है, टाइपिंग टेस्ट होता है, सेम उसी प्रकार से इसमें शो होगा। सबसे पहले गूगल को ओपन करना, उसमें सर्च में लिखना typingtest.com, देखिए typingtest.com सर्च करना आप, देखिए ये कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको, ये वेबसाइट खुल गई है typingtest.com की, टाइपिंग टेस्ट की। ये देखिए यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं आप, 2 मिनट, 5 मिनट, आप 10 मिनट का टाइम लगा लेना, मैं 2 मिनट का टाइम लगा रहा हूँ यहाँ पे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए कहीं। और उसके बाद इसमें हार्ड मैटर, स्लो मैटर, मीडियम मैटर, जैसा मैटर आपको चाहिए वैसा मैटर सेलेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद नीचे एक जगह स्टार्ट टेस्ट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये
टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपने टाइप करना शुरू करना होगा। ये देखिए स्टार्ट टेस्ट में क्लिक कर दिया है, कुछ ही सेकंड में ये आपके सामने पे ओपन हो जाएगा। ये देखिए ऊपर आपका मैटर शो हो रहा है, नीचे लाइन में आपने टाइप करना होगा सेम जैसा दिख रहा है, उसके बाद लास्ट में आप एंटर दबाएंगे तो उसके बाद नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे, फिर नीचे वाली लाइन को भी टाइप करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में आप इंटर दबाएंगे, जैसे ही वो लाइन ख़त्म होती है उसके बाद इंटर दबाएंगे, उसके बाद नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे। और जैसे ही आपके वर्ड कम जो लाइन का वर्ड कंप्लीट होगा उसमें अगर डॉट होगा कॉमा होगा तो उसको दबा देना, उसके बाद इंटर दबाना। अगर कुछ नहीं होगा तो डायरेक्टली जैसे ही वर्ड ख़त्म होगा आपका इंटर दबा देना उसके बाद, ठीक है। और एक बार और ध्यान से सुनना, जैसे आपका वर्ड कंप्लीट नहीं होता है उसमें कोई एरर हो जाती है आपको पता चल जाता है तो बैक स्पेस दबा के आप उसको सही कर सकते हैं, लेकिन स्पेस दबा दोगे आप वर्ड दबाने के बाद स्पेस दबा दोगे तो उसके बाद आपका बैक स्पेस काम नहीं करेगा उसमें, इसलिए स्पेस दबाने से पहले आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको टाइपिंग करके दिखाता हूँ उसमें। अब इंटर दबाएंगे जैसे लाइन पूरी होगी, ठीक है। देखिए हमारा मैटर पूरा हो गया, जैसे मैटर पूरा होगा अपने आप ही बंद हो जाएगा ये। ये देखिए 45 वर्ड पर मिनट की स्पीड आई है, स्पीड भी शो हो रही है इसमें, और 45 की स्पीड आई है और एक्यूरेसी 100% है, एक भी गलती नहीं हुई है। आप देख सकते हैं नेट स्पीड, देख सकते हैं आप 45 की नेट स्पीड है और 100% मेरी एक्यूरेसी आई है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको टाइपिंग में किसी की भी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे बता देना अगर स्पीड नहीं बढ़ रही है, कोई भी दिक्कत आती है स्पीड से जुड़ी हुई और एक्यूरेसी से जुड़ी। मेरा मेन काम आपकी स्पीड को बढ़ाना और एक्यूरेसी को बढ़ाना है, इसलिए आप मुझे कमेंट कर देना कोई भी दिक्कत आती है स्पीड और एक्यूरेसी में तो मुझे बता देना, मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। और रोज़ सुबह 9 बजे लाइव आता हूँ और रात को 9 बजे लाइव आता हूँ, तो आप लाइव ज्वाइन करेंगे तो लाइव मेरे साथ टाइपिंग कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अगर 2-3 बार आप लाइव आएंगे तो उसी में आपको फ़ायदा पता चल जाएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लाइव फिर छोड़ भी सकते हैं। और अगर आप मुझे टाइम बता दोगे किस टाइम पर आप फ्री हो लाइव के लिए तो उसी टाइम पे मैं लाइव करा दूंगा आपकी, बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर देना मुझे। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन पर कि किस प्रकार से आपने टाइपिंग करनी है इस वेबसाइट में जिससे कि आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों लास्ट में बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।